हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे माइकल पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक्सटर्नल एग्जाम्स में मैक्सिमम 10 मार्क्स का पूछा ही पूछा जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग पोर्टर फाइव फोर्सेस। हम इसको कैसे समझेंगे कि पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल क्या होता है? द टूल वॉज क्रिएटेड बाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर माइकल पोर्टर थे, जिन्होंने टू एनालाइज एन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड लाइकली प्रोफेबिलिटी सिंस इट पब्लिकेशन हुआ इन 1979 में। इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड हाईली रिगार्डेड बिजनेस स्ट्रेटजी टूल इन्होंने तैयार की। पोर्टर रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन लाइकली कीप अ क्लोज वॉच ऑन दियर राइवल्स, बट ही इनकरेज्ड देम टू लुक बियॉन्ड द एक्शंस ऑन दियर कंपटीटर्स एंड examine what other factors could impact the business environment. He identified five forces that make up the competitive environment and which can erode your profitability. इस तरीके से इन्होंने अपने पोर्टर्स फाइव फोर्सेस को एनालाइज किया, समझा, उसके बारे में डिसीजंस लिया, देन उसके एक एक स्टेप्स को क्लियर करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कंपटीटिव राइवलरी। कंपटीटिव राइवलरी क्या होता है? दिस लुक्स एट द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर कंपटीटर्स, यानी कितने हैं आपके कंपटीटर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और नंबर। हाउ मेनी राइवल्स डू यू हैव, हु आर दे एंड हाउ डज द इक्वलिटी ऑफ दियर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपेयर विथ योर्स, आपसे। वेयर राइवलरी इज इंटेंस, कंपनीज कैन अट्रैक्ट कस्टमर विथ एग्रेसिव प्राइस कट्स एंड हाई इम्पैक्ट मार्केटिंग कैंपेन्स, ऑल्सो इन मार्केट विथ लॉट ऑफ रेवल्स योर सप्लायर्स एंड बायर्स कैन गो एल्सवेयर इफ दे फील दैट दे आर नॉट गेटिंग अ गुड डील फ्रॉम यू। इस तरीके से हमारा वर्क करता है कंपटीटिव। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं सप्लायर पावर की। तो दिस इज डिटरमाइंड बाय हाउ इजी इट इज योर फॉर सप्लायर्स टू इंक्रीज दियर प्राइसेस, हाउ मेनी पोटेंशियल सप्लायर्स डू यू हैव, हाउ यूनिक इज द प्रोडक्ट और सर्विस दैट दे प्रोवाइड एंड हाउ एक्सपेंसिव वुड बी टू स्विच फ्रॉम वन सप्लायर्स टू अनदर। तो कैसे वर्क करता है? द मोर यू हैव टू चूज फ्रॉम द इजियर इट इज विल बी स्विच टू अ चीपर अल्टरनेटिव। इस तरीके से अगर ऐसा होता है, बट द फीवर सप्लायर्स देयर आर जो होते हैं, द मोर यू नीड दियर हेल्प द स्ट्रॉन्गर दियर पोजिशन एंड दियर स्टेबिलिटी टू चार्ज यू मोर दे इम्पैक्ट योर प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट हमारे पास बायर पावर की। बायर पावर क्या होता है? हेयर यू कैन आस्क योर सेल्फ, आप खुद से पूछेंगे हाउ इजी इज टू योर बायर टू ड्राइव योर प्राइसेस डाउन, हाउ मेनी बायर्स आर देयर एंड हाउ बिग आर दियर ऑर्डर्स, हाउ मच वुड इट कॉस्ट देम टू स्विच फ्रॉम योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेस टू दोज ऑफ अ राइवल, आर यू बायर्स स्ट्रांग इनफ टू डिक्टेट टर्म्स टू यू। When you deal with only a few savvy customers, they have more power, but your power increase if you have more customers. तो इस तरीके से हमारा buyer power work करता है। बात करेंगे threat of substitutions की। This refer to likelihood of your customer finding a different way of doing what you do. For example, बात करते हैं if you supply a unique software, supply करते हैं कोई product that automate an important process, जो अपने आप work करता है important process के लिए, people may substitute it doing the process manually by outsourcing it. A substitution that is easy and cheap to make can weaken your position and threaten your profitability. तो उस तरीके से हमारा substitute work करेगा और लोगों के लिए किस तरीके से ईजी हो जाएगा। बात करेंगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री की। तो योर पोजीशन क्या है? कैन बी अफेक्टेड बाय पीपल्स एबिलिटी टू एंटर योर मार्केट, सो थिंक हाउ अबाउट इजीली दिस कुड बी डन, हाउ इज इट टू गेट अ फुट होल्ड इन योर इंडस्ट्री और मार्केट, हाउ मच वुड इट कॉस्ट एंड हाउ टाइटली इज योर सेक्टर रेगुलेटेड, इफ इट इज रेगुलेटेड लिटिल मनी एंड एफर्ट टू एंटर योर मार्केट एंड कंप्लीट effectively, or if you have little protection for your key technology, then rivals can quickly enter your market and weaken your positions. तो इस तरीके से हमारे पोर्टर के फाइव फोर्सेस मॉडल वर्क करते हैं। तो ये हमारे हैं पोर्टर के फाइव फोर्सेस मॉडल। जैसे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री है, तो उसमें क्या क्या है? टाइम एंड कॉस्ट ऑफ एंट्री, स्पेशलिस्ट नॉलेज, इकोनॉमिक स्केल, कॉस्ट एडवांटेज, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन, बैरियर टू एंट्री, ये हमारे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री में वर्क करते हैं। क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं और हम कैसे कैसे मार्केट में ग्रो करेंगे। बात करेंगे कंपटीटिव राइवलरी की। इसमें क्या है? नंबर ऑफ कंपटीटर्स, क्वालिटी डिफरेंस, अदर डिफरेंस, स्विचिंग कॉस्ट, कस्टमर लॉयल्टी, ये हमारे कंपटीटिव में वर्क करते हैं।
बात करेंगे सप्लायर पावर में, तो नंबर ऑफ सप्लायर, साइज ऑफ सप्लायर्स क्या होगा, यूनिक ऑफ सर्विस क्या होगी, योर एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग क्या होगी, इस तरीके से बात करेंगे। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की, तो इसमें सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस, कॉस्ट ऑफ चेंज क्या होगी, बायर पावर्स क्या होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, साइज ऑफ ईच ऑर्डर, डिफरेंस बिटवीन कंपटीटर्स क्या होगा, प्राइस सेंसिटिविटी क्या होगी, एबिलिटी सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग क्या होगा, बायर पावर कैसा होगा। तो बायर इस तरीके से वर्क करता है हमारे, ये तीनों प्रोसेस, पांचों प्रोसेस वर्क करते हैं। पोर्टर के फाइव फोर्सेस मॉडल इसी बेसिस में वर्क करते हैं, और इन सब चीज़ों को हमें क्लियर करते हुए अपने बिजनेस को सॉल्व आउट करना होता है और अपने प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी much